अनिल अंबानी कर्ज की फांस में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी कंपनी आरकॉम को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए का भुगतान करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन से 700 करोड़ रुपए बकाया वसूलने के लिए इस हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में याचिका लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक BSNL भुगतान में देरी के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है। 700 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए आरकॉम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला BSNL ने 4 जनवरी को लिया था। हालांकि सभी सरकार कार्यालयों से कागजात जुटाने के कारण मामला दाखिल करने में देरी हुई। 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी आरकॉम खुद भी NCLT में दिवालिया की अर्जी दे चुकी है। इससे उसकी संपत्तियों को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से बेचने में मदद मिलेगी। अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को मंगलवार तक एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को भुगतान के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है। विफल रहने पर अनिल अंबानी को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। आरकॉम एरिक्सन को 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।